चलो ठीक है देख। तो किसी को भी आवाज की अगर डिस्टरबेंस होगी तो मुझे नोटिफाई कर देना। वैसे तो होना तो नहीं चाहिए, बट मॉर्निंग में थोड़ा एरर आया था तो शायद आ सकता है। अगर आवाज की कमी ऐसे महसूस हो तो मुझे बता देना। राइट, तो हम डिस्कस कर चुके थे, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर खत्म कर चुके थे, और मैंने आपको बताया था कि नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नया जो चैप्टर है वो जो नया जो चैप्टर है उसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बाकी जो चैप्टर्स है इसी के लिंक के थ्रू दूसरे चैप्टर कनेक्टेड रहेंगे। जैसे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद सर्कुलेशन आता है, ब्लड सर्कुलेशन, फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, फिर आता है नर्वस सिस्टम, हाउ वी कोऑर्डिनेट विद द चेंजिंग एनवायरमेंट। ठीक है, हम सोते हुए भी रहते हैं तब भी हमको अगर आवाज आ जाती है तो हम परफेक्टली उठ जाते हैं, तो नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन, ये सभी कुछ चैप्टर है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब हमारी, हम ह्यूमन में हैं, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो इसकी स्टडी ह्यूमन फिजियोलॉजी। राइट, तो आज जो चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं वो कौन सा है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। राइट, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेसिकली आपके अगर बोर्ड क्लास 12th के बोर्ड की टेक्स्ट बुक देखोगे ना तो दोनों चैप्टर साइमल्टेनियसली दिया है। ठीक है, मतलब ब्रीथिंग भी दिया है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, और सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस दोनों भी चैप्टर साइमल्टेनियसली दिया है। ठीक है, तो इन डायरेक्टली बोलने का मतलब ये है कि दोनों चैप्टर साथ में दिया है, बट हम पार्ट वन पार्ट टू दोनों भी सेपरेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट वन में जो चैप्टर दिया है उसका नाम क्या है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जो सेकेंड चैप्टर, उसी चैप्टर में जो सेकेंड पार्ट है उसका नाम है सर्कुलेशन। ठीक है, तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, सिंपल तब लगेगा जब अच्छे से समझेगा और ध्यान दोगे तो डेफिनेटली समझेगा। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक से स्टार्ट कर देखते हैं। बेसिक से तो कुछ सेमी इंग्लिश के भी बच्चे हैं, कुछ मराठी के भी हैं, और कुछ प्योर इंग्लिश वाले भी हैं। तो तीनों को एक नज़रिए से देखा जाए तो एकदम बेसिक से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको लगता है ऐसा कि ये हम आता है उनके लिए एक रिविजन है, और जिसके लिए नहीं आता है उसके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो ये सब चीज़ें सीख सकता है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं पूरे चैप्टर के बेसिक से। सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग एंड, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस समझना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, क्या दोनों भी सेम है, क्या दोनों में अंतर है? तो सर बी से आया ब्रीथिंग, बी से आता है बायोलॉजी, और आर से आता है रेस्पिरेशन, आर से आता है रोहित सर। नहीं, मतलब उतनी ही, उससे उतनी ही सिमिलैरिटी है जितना, ये क्या बोल रहा हूं मैं, मानकर चलो आर से आता है रोहित सर। ठीक है, इस आर से आता है, ब्लू कलर दिख रहा है ना सभी को, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, तो बी से आया मानकर चलो बायोलॉजी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बी से आया बायोलॉजी और आर से आया रोहित सर। तो ये आता जाता रहेगा, मतलब कैसे, ये कोई इंटेक करेगा और इसको रोज कोई पढ़ना, मतलब कभी किताब खोल के इसको पढ़ा जाएगा और कभी किताब खोलकर इसको बंद भी किया जाएगा। बट जो चीजें इससे इस्तेमाल की जाएगी, बायोलॉजी पढ़कर देखो आप क्या करोगे, आपके पास एक बुक रहती है, बुक, कभी आप उसको बुक को ओपन करोगे और कभी आप उस बुक को क्लोज करोगे। ठीक है, ओपन करने से क्या होगा, जितना भी बुक का नॉलेज आया वो रोहित सर के ब्रेन में जाएगा, डेफिनेटली यस। ब्रीथिंग करने से क्या होगा, जितना भी गैसेस बॉडी के अंदर एंटर्ड होगा वो कोई ना कोई प्रोसीजर में इन्वॉल्व हुआ रहेगा। राइट, जैसे ब्रीथिंग बोल रहा हूँ और रेस्पिरेशन बोल रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है बी से आया बायोलॉजी समझो, आर से आया रोहित सर समझिए। तो बी से बायोलॉजी, तो दो प्रोसीजर होता है ब्रीथिंग में, क्या, एक हम सांस लेते हैं और एक हम सांस रिलीज करते हैं। राइट, हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये आपके 10th के नॉलेज के हिसाब से ठीक था, 9th 10th, 11th में आ चुके हो तो अब से आपको ये नहीं बोलना है कि ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, दरअसल हम ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं बाहर। राइट, सो ब्रीथिंग का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये लिखता हूँ, मतलब एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट के हिसाब से, इन जनरल आपके 10th के बेसिक नॉलेज के हिसाब से बोलूं तो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और CO2 बाहर रिलीज कर रहे हैं। ठीक है सर, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं मतलब ऑक्सीजन कहीं ना कहीं बॉडी में इस्तेमाल की जा रही है। रामदेव बाबा बोलते हैं जोर से सांस लीजिए, कौन से प्राणायाम कीजिए वो पता नहीं है मुझे, ठीक है, सांस अंदर लो, एक आंख से, एक नाक से ऐसे छोड़ो, दूसरे नाक से लो ऐसे सांस, बोलते हैं ना।
वॉट इज दैट आसन, आई डू नॉट नो एक्स वाई जेड आसन जो भी हो, पर नहीं डायरेक्टली एक चीज मुझे समझ में आती है, वो नोज से ही, ठीक है, नोज से ही मुझे गैसेस का एक्सचेंज करने बोलते हैं, वो मुझे माउथ से कभी भी नहीं बोलते हाँ जोर से माउथ से सांस लो, बिकॉज माउथ इज नॉट ए डेफिनेट प्लेस, डेफिनेट ऑर्गन थ्रू विच यू शुड टेक द ऑक्सीजन, यू शुड टेक द एयर. तो कहां से लेना चाहिए? डेफिनेटली नोज से. तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर क्या है? एक एक्स वाई जेड गैस अंदर आती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, और इस्तेमाल करने के बाद कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट निकलता है, वो हम बाहर रिलीज करते हैं. ठीक है, तो एक्स वाई जेड गैस, जैसे बायोलॉजी बुक का, बायोलॉजी बुक, ठीक है, तो मैं उसको ओपन करूंगा, उसका कंटेक्स्ट में रीड करूंगा, कंटेक्स्ट योर टेक्स्ट जो है वो पूरा इस्तेमाल करूंगा, और इस्तेमाल करके क्या करूंगा, यूटिलाइजेशन करूंगा. तो यूटिलाइजेशन क्या है? यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है? यूटिलाइजेशन रोहित सर कर रहे हैं. किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? बायोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक, तो बायोलॉजी प्रोसीजर में तो दोनों चीज आती है, एक बार किताब खुलेगी, एक बार किताब बंद होगी. क्या वो दोनों चीजें कर रहे हैं? यस. तो अच्छे से देखना, ये दोनों टर्म एक दूसरे से लिंक्ड है, ये दोनों टर्म एक दूसरे से लिंक्ड है. इसमें इतना ही अंतर है कि एक पर्सन गेट खोल के अंदर जाएगा, ठीक, अपना पूरा वर्क करेगा, और वर्क करने के बाद जब वो बाहर आएगा, तो अंदर जाने का प्रोसीजर और बाहर आने का प्रोसीजर, बस इतना ही प्रोसीजर कहलाता है ब्रीथिंग. बाद में जो अंदर फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. रोहित सर के ब्रेन में जो कुछ बायोलॉजी के टेक्स्ट स्टोर्ड हुए थे ना, वो रेस्पिरेशन है. ठीक है, वो रेस्पिरेशन मतलब जो फंक्शनल पार्ट है, जिस वजह से किताब बायोलॉजी की खुली गई थी और जिस वजह से बंद हो रही है, तो किया क्या, पढ़ाई किया, कहां स्टोर्ड हुआ? कोई ना कोई ब्रेन के पार्ट में कहीं ना कहीं स्टोर्ड हो गया. जब भी उसको रिकॉल करेंगे तब वो चीज वापस आएगी. तो इस तरीके से देखा जाए तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है. तो हम अगर पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज इनसाइड द बॉडी फॉर सम और द अदर वर्क, ठीक, तो आपको पता है बॉडी में एवरी टाइम वेन एवर वी फील कि हमारी एनर्जी कम हो चुकी है, हमको ताकत सा फील नहीं हो रहा, एनर्जेटिक सा फील नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? मम्मी से खाने की अपेक्षा करते हैं कि मम्मी थोड़ा बहुत खाना खिला दो. ठीक है, तो मम्मी क्या करेगी? मम्मी चपाती देगी आपको, ठीक है, चपाती देगी, रोटी देगी, सब्जी देगी, आप खाना स्टार्ट कर लोगे. तो अल्टीमेटली वेन यू ईट द फूड, जब भी आप फूड को ईट करोगे, दैट फूड विल डेफिनेटली विल एंटर फ्रॉम योर माउथ और ओरल कैविटी. ठीक है, माउथ ओरल बीट आप बोलते हैं ना, ओरल बीट जैसे ब्रश रहती है, तो माउथ का सेकंड नेम है ओरल कैविटी. तो आप माउथ से फूड को अंदर एंगल्प करके कहाँ लेके जाओगे? स्टमक में लेके जाओगे. स्टमक में क्या होगा? स्टमक में बहुत सारे एसिड्स रिलीज होंगे. ठीक है, अब एसिड्स रिलीज के वो फूड का क्या होगा? बड़ा सा फूड का बोलस है. मानकर चलो आपने इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा खाया था, ठीक है, इतना बड़ा, और वो फूड के पार्टिकल को आपने तोड़ा गया, आपने दांत से उसको क्रश किया, च्यू किया, मास्टिकेशन किया उसका. ठीक, अब वो फूड कहाँ जाएगा? च्यू होके आपके जो पाइप है, फूड पाइप, फूड पाइप से होकर सीधा आपके स्टमक वाले एरिया में जाता है. ठीक है, स्टमक वाले एरिया में अब वो आपके जो छोटे छोटे चपाती के या रोटी के पार्टिकल्स है, उसको और छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाएगा. राइट, करेक्ट है. तो अब ये छोटे पार्टिकल का क्या होगा सर? नाउ दे विल गेट एब्जॉर्ब इनसाइड द ब्लड. ठीक है, तो जब ये एक्स नाम का पार्टिकल, कौन सा? रोटी का और छोटा सा टुकड़ा, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज. आपने क्लास 10th में या 9th में थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होगा इसका. तो ग्लूकोज इज व्हाट? ग्लूकोज इज ए सबसे छोटा एक शुगर का मॉलिक्यूल रहता है, वो चीनी का दाना नहीं है. ग्लूकोज एक सबसे छोटा सब्सट्रेट रहता है जो हमेशा फूड के लिए इस्तेमाल, फूड कोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो हम अगर बर्गर नहीं खाते हैं रोज, इसका साफ साधारण एक सिंपल रीजन है कि बर्गर एक या पिज्जा एक फैट है, उसको तोड़ने में बहुत ताकत लगेगी, समझ रहे हो, और वो एनर्जी भी उतना नहीं रिलीज करेगा जितना करना चाहिए. तो एक फैट का पार्टिकल या कार्बोहाइड्रेट, जैसे रोटी चावल, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट तोड़ते हो आप, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए. तो ये जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं बॉडी के ग्रोथ के लिए, ये रेस्पिरेशन है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो एक अगर बाइक है, बाइक विल नॉट रन ऑन इट्स ओन. बाइक हैव इंजिन बट वेन एवर अपटिल यू विल नॉट पुट द फ्लूइड. ठीक है, जब तक आप उसमें एक फ्यूल नहीं डालोगे, कॉल्ड एज पेट्रोल, तब तक वो कार, तब तक वो बाइक कभी भी रन नहीं करेगी. सिमिलरली बॉडी वैसा है. ठीक है, तो बॉडी में जैसे बाइक में क्या रहना चाहिए? मेन फंक्शनल यूनिट कौन है? इंजिन. इंजिन को क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए. इसके लिए वर्क करने के लिए, राइट. सो इंजिन में आप पेट्रोल डालते हो, राइट. जितना ज्यादा आप उसमें पेट्रोल इनपुट करोगे, उतना एफिशिएंटली इंजन अच्छे से वर्क करेगा. जितना अच्छे से इंजन अच्छे से वर्क करेगा, गाड़ी आपकी तेज चलेगी. बॉडी क्या है? बॉडी में रोज आप फूड नाम का सोर्स अंदर डालते चले जा रहे हो.
ठीक है, फूड नाम का सोर्स अंदर डाल रहे हो, तो वो फूड का नाम का सोर्स आपके स्टमक में जाता है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। ठीक, अब वो किस में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा? ब्लड में। तो ब्लड एक ऐसा रास्ता है जो पूरे बॉडी को एक दूसरे कनेक्ट करता है। ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पर सिंगम कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिंगम, तो इफ माई हैंड, इफ आई एम, मैं अपने हैंड्स को कर्ल कर रहा हूँ, तो ये जो सिंगम वाला आपको जो रूप दिख रहा है, क्या यहाँ पर मुझे ताकत नहीं लग रही होगी? डेफिनेटली यस, ताकत लग रही होगी। तो जो मैंने खाना खाया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ही ताकत इस्तेमाल हो रही होगी। कैसे सर? तो मैंने खाना तो यहाँ से खाया बट मेरा हाथ यहाँ काम कर रहा है। मतलब ये पूरा सिस्टम ब्लड से कनेक्टेड है। तो अगर मैं यहाँ पर एक इंसान की बॉडी ड्रॉ करता हूँ, सपोज करके चलो, राइट, सो हमेशा कैसे ड्रॉ करता हूँ, वन, राइट, ये टू हो गया, ये थ्री, और ये यहाँ से ऐसे फोर। ठीक है, नाक बड़ी ही रहने तो अच्छा है। तो क्या होगा, यहाँ से मानकर चलो आपने एक्स वाई जेड फूड सोर्स खाया, थोड़ी लड़की जैसे बन गई, तो यहाँ पर मैं गले के बजाय तो इसका गला छोटा बना लेते हैं अपन, ठीक है, ऐसे समझने के लिए, और स्पेस भी नहीं है हमारे पास ज्यादा। तो मानकर चलो ये गर्ल है या एक बॉय है, ये बॉय समझ लो, नाम रख देते हैं, इसका नाम क्या रख देते, गोलू रख देते हैं। ये जो हमारा गोलू है, गोलू, ये गोलू क्या करेगा, ये गोलू की मम्मी उसको खाना देगी और ये खाना अपने माउथ से लेकर अंदर लेके जाएगा। उसके बाद क्या होगा सर, यहाँ पर एक फूड पाइप है, इस फूड पाइप के थ्रू, ये पार्टिकल अंदर जाएगा, राइट, फूड का पार्टिकल अंदर जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, कहाँ तक जाएगा, स्टमक का एक रीजन रहता है, उस स्टमक में ये फूड पार्टिकल एंटर करता है, ये है स्टमक। ठीक, तो फूड पार्टिकल यहां से एंटर करके यहां आ गया। नाउ ये फूड पार्टिकल को और छोटे 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 पार्टिकल में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर अच्छे से देखो तो पहले बड़ी सी सब्जी थी, मम्मी ने उसको कट 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 काटा, किससे, चक्कू से या पावसी से। ठीक है, अब वो छोटे छोटे पार्टिकल है, उसको पकाया, सब्जी बनाई, फूड भर दिया, फूड आपने अंदर एंगल्फ किया। ये फूड किसमें मिलेगा, यहाँ पर सलाइवेशन मिलेगा। ठीक है, आपके माउथ से जो सलाइवा रहता है वो सलाइवा सिक्रेट होगा और धीरे धीरे, क्यों, बेसिकली फूड का पाथ इजियर रहना चाहिए। इफ द बोट वॉन्ट टू स्विम इन टू द वॉटर देन द रिवर शुड नॉट बी ड्राई, रिवर सूखी नहीं रहना चाहिए, तो बोट अच्छे से नहीं जाएगा। अगर बोट को अच्छे से जाना है तो रिवर में वॉटर रहना चाहिए। सिमिलरली दैट देन यू विल ईट द फूड पार्टिकल, यहाँ पर सलाइवेशन रहना चाहिए, गीलापन रहना चाहिए, राइट, तो वो सलाइवेशन है जो फूड पार्टिकल को गीला करता है ताकि जब रास्ते में खाना जाए तो उसका रास्ता रुक ना जाए, राइट। अगर बोट जा रही है, वॉटर शुड बी प्रेजेंट सो दैट द बोट शुड रीच एट द फाइनल डेस्टिनेशन, जहां से वो स्टार्ट करेगा से लेकर जहां वो रीच करेगा फाइनल डेस्टिनेशन तक properly पहुंच जाना चाहिए बिना कोई रुकावट के, right? So similarly, this food particle when travels from the food pipe towards the stomach, the food should not be stopped at any of the position. और second reason क्या है? Due to gravity भी food चला जाएगा, but salivation भी secret होता है. So this food and will enter inside the stomach. Okay. Now the stomach will release acid. Which acid? छोड़ दो उसको, XYZ acid. So stomach क्या release करेगा? Acid release करेगा. जैसे आप देखते हो ना, बहुत सारे एसिड अटैक होते हैं फीमेल पे, ठीक है, जो कि सही बात नहीं है, आपने देखा होगा। तो छपाक मूवी भी निकली थी, छपाक, ठीक है, दीपिका पादुकोण की। तो एसिड क्या रहता है, एसिड का पीएच जो रहता है वो बहुत कम रहता है, ठीक है, पीएच जो रहता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। तो एसिड एक जनरल चीजें बताऊं तो जब जो नहीं करना चाहिए, जब वो लड़के गलती से काम करते हैं, गलती से नहीं बोल सकता हूँ, जानबूझकर जो लड़के काम करते हैं, तो एसिड फेंकते हैं गर्ल्स के ऊपर, वो अपना भड़ास जो भी उनको निकालना है एक्स वाई जेड। तो जो अच्छी वाली स्किन है वो कैसे हो जाती है, एकदम फट जाएगी, खराब सा चेहरा दिखेगा। तो आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हो आप कि एसिड जो कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसमें बहुत शक्ति रहेगी किसी भी चीज को नष्ट करने की या उसकी, उसका जो नेचर है उसको खराब करने की। तो एसिड स्ट्रांग एसिड है, तो एसिड जो स्ट्रांग रहती है, कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, वो कोई भी पार्टिकल्स को, जब स्किन जैसे पार्टिकल को खराब कर सकती है, तो समझो एक रोटी के टुकड़े को वो नष्ट क्यों नहीं कर सकती, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में क्यों नहीं तोड़ सकती है। तो नेचर ने सोचा फूड के पार्टिकल को तोड़ने के लिए क्या रखता हूँ स्टमक में, एसिड रखता हूँ। सो ही पुट एन एसिड विच ब्रोक्स द फूड पार्टिकल, ब्रेक्स द बोलस, ठीक है, खाने के गत्ते को और छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है। नाउ यही वो पार्टिकल है जो मेरे हाथ में, जो मेरे हाथ को सिंगम बनाने के लिए हेल्पफुल कर रहे हैं। तो सर ये तो स्टमक है, राइट, और ये सर गोलू है ना, गोलू, ये गोलू का हाथ इधर कहीं होगा, ठीक है, तो मानकर चलो गोलू के ही हाथ को समझ लेते हैं, गोलू हमारा सिंगम कर रहा है इस तरीके से, ये गोलू का हाथ यहाँ पर है, ठीक है, थोड़ा अजीब सा डायग्राम है बट ज्यादा बड़ा बोर्ड नहीं इसलिए एडजस्ट कर लो। तो
मानकर चलो कि गोलू को क्रिकेट खेलना है, तो गोलू को क्रिकेट खेलने के लिए कैच कैच पकड़ना है, तो अपने बॉल को बार बार ऐसा करना, हाथ को बार बार ऐसा करना पड़ेगा, आ रहा है बॉल हम पकड़ूंगा, समझ रहे हो? तो बार बार उसको क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी काम करने के लिए. सो फ्रॉम वेयर, ठीक है, मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ. तो फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी गेट टू द गोलू फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिट्रैक्शन ऑफ द हैंड फॉर कैचिंग द बॉल. ठीक है, भगवान से भीख नहीं मांग रहा है. तो गोलू को बॉल पकड़ने के लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए. तो गोलू को ताकत कहाँ से मिलेगी, वही जो उसकी मम्मी ने उसको खाना दिया था. पर सर वो तो खाना उसके स्टमक में था, राइट? बट कैन यू एग्री अप टिल दिस कि गोलू के मम्मी ने जो उसको एक रोटी का छोटा सा एक गस्सा खिलाया था, वो गस्सा अब गले से उतर कर कहां तक पहुंच चुका है, स्टमक तक पहुंच चुका है. और स्टमक में एक ऐसा केमिकल बैठा था जिसने उस फूड के पार्टिकल को, उस रोटी के टुकड़े को छोटे छोटे पार्टिकल में और तोड़ दिया. तो ये जो छोटा सा ये जो बोलस था, ये खाने का जो रोटी का गस्सा था, वो स्टमक में जाकर एक एसिड से, राइट, एक एसिड के रूप में, एसिड ने उस बड़े से फूड के पार्टिकल को जैसे यहाँ पर आया छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया. अब सर अब चाहिए एक रास्ता ताकि अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए. ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर जगह से अगर ट्रेन चल रही है ए नाम के जगह से, ठीक है, और वो सी नाम के जगह पर एंड करेगी, तो ट्रेन तो अपने रास्ते तक पहुंच जाएगी, बट क्या ट्रेन वहां से उठकर हर घर में हर एक पैसेंजर को पहुंचाने की जिम्मेदारी रखती है? सर आंसर इज नो. सो देयर शुड बी अ डेफिनेट पाथ फॉर द ट्रैवलिंग, फॉर द टेकिंग आउट द पैसेंजर फ्रॉम द ट्रेन एंड डिलीवरिंग टू देयर होम. दैट पैसेंजर इन नेचर इज ऑटो. तो जनरल इन नेचर में ट्रेन से, ट्रेन अपने ही रास्ते पर रहती है, क्या ट्रेन हर घर में जाएगी? नहीं. ये जो माउथ से लेकर स्टमक तक का रास्ता है, हमेशा खाना इसी रास्ते पर आएगा. सर मुझे हाथ में एनर्जी चाहिए, तो स्टमक को बोलो थोड़ा घूमकर इधर भी आ जाए. नहीं, डेफिनेटली नॉट. सो हाउ इट इज पॉसिबल? ठीक है, अगर ये ट्रेन का मेन वाला रास्ता है, तो सर अगर ये जो पैसेंजर्स है, जो ए नाम के डेस्टिनेशन से, पैसेंजर इन द सेंस ये जो फूड पार्टिकल था वो हमारे लिए पैसेंजर है, ठीक है, ये हमारा कस्टमर है, तो ये पूरी अगर ट्रेन है यहाँ तक, दिस पैसेंजर अल्टीमेटली वॉन्ट्स टू रीच विच पाथ? ये रोटी का जो गस्सा है, ये गोलू को कहां पर काम चाहिए? ये जो रोटी का गस्सा है, ये गोलू को उसके हाथ में चाहिए बॉल को पकड़ने के लिए. सो हाउ इट इज पॉसिबल टू डिलीवर दैट फूड पार्टिकल टिल द हैंड? विल द फूड पाइप विल गो इन द हैंड? डेफिनेटली नॉट. विद द स्टमक, क्या वो स्टमक है पेट निकलकर हाथ में चला जाएगा क्या? बोलेगा लो गोलू एनर्जी ले लो? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता है. सो वॉट इज दैट मेन मैकेनिज्म, ठीक है, जो स्टमक में से फूड पार्टिकल को निकालकर हैंड में रीच कर देगा? दैट इज द मेन कंपोनेंट कॉल्ड एज ब्लड. ठीक है, ब्लड ऐसा कंपोनेंट है, ब्लड ऐसा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के हर पार्ट में मिलेगा. कहीं पर भी कट करो, ब्लड वहां से ऊज आउट होएगा ही, ब्लड वहां से निकलेगा ही. मतलब सर एक ही जगह है जहां पर ट्रेन मिल सकती है, बट ऑटोज टैक्सीज पूरे सिटी में कहीं पर भी मिलेंगे. जहां हाथ खोजो, जहां जहां जाओगे उन्हें ही पाओगे, समझ रहे हो? So everywhere you will find the taxis, everywhere you will find the auto. But do you found everywhere? क्या आपको हर जगह पर ट्रेन दिखेगी? नहीं. तो ट्रेन का मतलब क्या? ट्रेन जहां पर मेन पैसेंजर्स को लाया जाता है. सो दिस इज अवर ट्रेन, जो फूड का रास्ता है. खाना यहाँ पर खाओगे, धीरे धीरे नीचे ट्रेवल कर कहां तक आ जाएगा? स्टमक में. स्टमक से आगे जाकर वो इंटेस्टाइन में भी जाता है, बट मैं डाइजेशन टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ. तो अल्टीमेटली स्टमक में छोटे छोटे पार्टिकल क्या होंगे? टूट जाएंगे. तो बेसिकली एक ट्विस्ट बता देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए. स्टमक में से फूड का एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है. ठीक है, एक अकेली दारू ऐसी चीज है, अल्कोहल, जो स्टमक से एब्जॉर्ब होता है. बाकी एक भी फूड पार्टिकल स्टमक से एब्जॉर्ब नहीं होता है. ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहीं तक लिख रहा हूँ. दरअसल आपने सुना होगा ना, इंटेस्टाइन, आतड़िया बोलते हैं. तो इंटेस्टाइन से जाकर मेन फूड एब्जॉर्ब होता है. यहां पर तो सिर्फ बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है. असली एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में जाके होता है. ठीक है, बट मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं स्टमक से ही एब्जॉर्प्शन करवाऊंगा. राइट, आई होप यू आर क्लियर. स्टमक से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्प्शन होता है. स्टमक से सिर्फ अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है, बस. ठीक है, सो राइट, सो यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए. सो विच इज दैट सिस्टम विच विल डिलीवर? ऐसा कौन सा सिस्टम है जो ट्रेन से पूरे पैसेंजर्स को निकालेगा और जहां चाहिए? राइट, क्या यही हैंड इंक्लूड होगा कैचिंग में? नहीं, वो भी हैंड इंक्लूड होगा कैचिंग में. सर दूसरा हाथ नहीं बनाया, जाने दो, हमारा गोलू के पास फिलहाल एक ही हाथ है. ठीक है, तो जो गोलू है उसका ये हैंड फंक्शन करेगा. तो डेफिनेटली क्या सिस्टम रहना चाहिए? सर देयर शुड बी ए कनेक्टिव सिस्टम विच विल टेक द फूड पार्टिकल एंड विल डिलीवर टू द हैंड. ओके, आई एम टेकिंग ए कनेक्टिव सिस्टम. तो मैं यहाँ पर एक ब्लड का ऐसा नेटवर्क बना रहा हूँ, जाल बना रहा हूँ.
ठीक है, ऐसा पूरा ब्लड का, ब्लड वेसल्स का जाल है, ठीक। तो वेसल मतलब क्या, वेसल इज ए ट्यूब, वेसल इज ए ट्यूब ऐसा समझो जिसके अंदर कौन ट्रैवल करता है, जिनके अंदर ब्लड ट्रैवल करता है, राइट। सो कभी भी आप पिंच करते हो तो ब्लड निकलते रहता है, व्हाट यू विल अप्लाई सम क्रीम और समथिंग यू विल अप्लाई दैट ब्लड विल, ब्लड ऊज आउट होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, राइट। तो हर जगह पर क्या है, नसे हैं, नसे मतलब वेसल्स है, राइट। सो दिस वेसल्स हैव ब्लड, तो वो ब्लड हर जगह पर बॉडी में, हर जगह पर ब्लड फैला हुआ है। तो वो ब्लड दरअसल करती क्या है, वही उसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट विल एब्जॉर्ब द फूड पार्टिकल्स, इट विल एब्जॉर्ब द एब्जॉर्बेबल, ठीक है, वो वही इस्तेमाल करेगी जो इस्तेमाल करने लायक हो, समझ रहे हो। सपोज करके चलो यहाँ पर ट्रेन में पैसेंजर एकदम बंच में आ रहे हैं, राइट, मान कर चलो कि ऊपर से एकदम जोड़ जाड़ के चार पांच आदमियों को जोड़कर फेंका जा रहा है ट्रेन में यहाँ से, ठीक है, तो बहुत बड़ा फूड पार्टिकल है, तो ब्लड कौन से फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा, ऑटो में कौन से पैसेंजर बैठ सकते हैं, वही पैसेंजर बैठेंगे जो ऑटो में अकोमोडेशन कर सकते हैं। अगर दो तीन आदमियों को साथ में बांधा जाए तो ऑटो के अंदर वो एंटर करेंगे क्या, आंसर इज नो। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल, अब इसको कहां लेके जाना है, दिस ब्लड वेसल वांट टू रीच इन द के हैंड तक ब्लड वेसल को पहुंचना है, क्यों सर, क्योंकि गोलूज हैंड हाउ मेनी ऑफ द सेल्स, उसमें क्या है, बहुत सारे सेल्स है, तो यहाँ पर हर जगह पर क्या है, सेल्स है, ईच एंड एवरी सेल्स, ठीक है, ईच एंड एवरी सेल का अगर चेहरा मैं फिर से बनाना चाहूं तो ईच एंड एवरी सेल इज एट सैड इमोजीज, ठीक है, सैड इमोजीज में है वो, व्हाई, बिकॉज़ दे वांट टू फंक्शन, दे वांट टू प्रोवाइड एनर्जी, दिस इज विच सेल, दिस इज द सेल, दिस इज द सेल ऑफ गोलूज हैंड, दिस सेल वांट टू प्रोवाइड एनर्जी टू गोलूज हैंड, व्हाई सर, दिस हैंड शुड कैच द बॉल, इन ऑर्डर टू कैच द बॉल द सेल शुड फंक्शन, तो कौन फंक्शन करेगा, अकेला हाथ ही फंक्शन करेगा क्या, ईच एंड एवरी सेल विल फंक्शन। अगर आपके घर में कोई परेशानी आती है तो क्या आपके घर का सिर्फ एक ही मेंबर फंक्शन करता है, नहीं, घर के सभी मेंबर्स एक साथ आ जाएंगे और उस परेशानी को झेलने के लिए सक्षम हो जाएंगे, मतलब सब अपना योगदान देंगे उस परेशानी को झेलने के लिए। उसी तरीके से अगर गोलू के हैंड के ऊपर एक बॉल आ रहा है तो क्या सिर्फ एक ही फिंगर बोलेगा, हाँ मैं एक फिंगर से बॉल को पकड़ लूंगा, तो कृष्णा जी थोड़ी है कि इसे एक चक्कर घुमा रहे हैं और ये लो मैंने बॉल को पकड़ लिया, ऐसे वो घूमता नहीं है, चक्कर घूमता है कृष्ण के हाथ से, तो गोलू हमारा बेचारा वैसा नहीं है, तो गोलू क्या करेगा, गोलू हैंड में से बॉल पकड़ेगा, तो सो विल ओनली एक सिंगल फिंगर का सेल फंक्शन करेगा, नो, ईच एंड एवरी फिंगर विल फंक्शन, क्या सिर्फ फिंगर ही फंक्शन करेंगे, नो सर, पाम एरिया भी फंक्शन करेगा, क्या सिर्फ पाम एरिया ही फंक्शन करेगा, नो सर, लोअर आर्म, अपर आर्म, लोअर आर्म भी फंक्शन करेगा, मतलब पूरा का पूरा हैंड फंक्शन करेगा, राइट, अपर आर्म, लोअर आर्म, हैंड, दिस इज द हैंड, इसको हाथ कहते हैं, हैंड, ठीक है, दिस इज लोअर आर्म, दिस इज अपर आर्म, ठीक है, तो पूरा का पूरा मेरा, बेहतर कहूं बायोलॉजी के भाषा में तो पूरा का पूरा फोर लिम्स और मेरा हिंड लिम्स, हिंड लिम्स तो नहीं, अब कैच करेगा तो हिंड लिम्स भी फंक्शन करेगा, तो इन ऑल गोलू के दोनों पैर और गोलू के दोनों हाथ फंक्शन करना चाहिए टू कैच द बॉल, राइट। सो डेफिनेटली एवरी सेल, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द फोर लिम्स, बोथ द फोर लिम्स ऑफ द अपर अपर फोर लिम्स और दोनों नीचे के हिंड लिम्स, चारों फंक्शन करेंगे किस लिए, बॉल को कैच करने के लिए। सो ईच एंड एवरी सेल्स आर इन दिस पोजिशन, व्हाई सर, दे रिक्वायर एनर्जी टू फंक्शन, विच टाइप ऑफ एनर्जी सर, सर सेम टाइप ऑफ एनर्जी जो ब्लड एब्जॉर्ब करेगा। तो एक बात अच्छे से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब चपाती का एक बोलस पार्टिकल एंटर हुआ था ना, वो चपाती का बोलस पार्टिकल तो 100% ब्लड में डायरेक्टली एंटर नहीं करेगा, ठीक है, आप खाने को अच्छे से चबाते हो, करेक्ट है सर, मम्मी कहती है कि खाने को, खाना खाते वक्त किसी से भी बात मत किया करिए, मम्मी कहती है बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देखना है, मम्मी बोलती है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को तो बंद करके रख दोगे, बिल्कुल उसको देखता भी नहीं है, सो व्हाई शी सेज, भले ही उनके उन्होंने साइंस नहीं पढ़ा है बट उनका होम साइंस बहुत कुछ कहता है, तो अच्छे से देखना, आई एम टेलिंग यू ब्लड वही फूड पार्टिकल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ब्लड वही फूड पार्टिकल एक्सेप्ट करेगा जो पर्टिकुलर साइज का हो, उस साइज से अगर बड़ा पार्टिकल होगा तो वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज ही नहीं कर सकता है। मानकर चलो हमारी ब्लड वेसल को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ बाहर, और ये जो फूड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इफ द साइज ऑफ द ब्लड पार्टिकल इज सिमिलर, इफ द ये ब्लड के अंदर छोटे छोटे पोर्स रहते हैं जहां से वो डिफ्यूज कर जाएगा, ठीक है, बेसिकली इस तरीके से नहीं होता है बट मैं जनरल आपको समझा रहा हूँ। तो अगर फूड पार्टिकल बराबर साइज का होगा
और ब्लड उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो फूड पार्टिकल जो है, ग्लूकोज जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट right? मतलब एक पार्टिकल है वो यहाँ आ जाएगा। अगर उसका साइज बड़ा रहता है, दैट फूड पार्टिकल कैनॉट एंटर। तो स्टेप वाइज प्रोसीजर रहती है, मतलब अगर 100% डाइजेशन होता है तो आपका 10-20% माउथ, माउथ बेसिकली बक्कल कैविटी रेगुलेट करता है चबाने के लिए, नीचे आकर स्टमक कुछ परसेंट डाइजेशन करेगा, और लास्ट में आपका इंटेस्टाइन कुछ डाइजेशन करेगा, तब जाकर ब्लड में आपका एक्स वाई जेड फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब होगा इनडायरेक्टली। आई मीन टू से, खाना अच्छे से चबाइए ताकि गोलू नहीं, आपके हैंड में एनर्जी, बोलते हैं ना खाना अच्छे से खाओ तो ताकत अच्छे से मिलेगी, तो उतने साइज का पार्टिकल वहां तक पहुंच जाना चाहिए तो एब्जॉर्प्शन होगा। अगर उतने साइज का पार्टिकल वहां तक नहीं रहता है तो वो फीकल मैटर के थ्रू, फीकल मैटर समझते हैं ना, फीकल या बोल दो, लैटरिंग बोल दो या स्टूल बोल दो, डायरेक्टली वहां से पास आउट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड, वो वहां से पास आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटम क्या है, अल्टीमेटम ये है कि सर पार्टिकल फूड का छोटे से छोटा रहना चाहिए ताकि जल्दी से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए, जल्दी से इंटेस्टाइन के एरिया से ब्लड में डिफ्यूज हो जाए। नाउ अब हम कहां तक आ चुके हैं कि सर ब्लड ने ये छोटे छोटे पार्टिकल को इंटेस्टाइन से, स्टमक से नहीं है, इंटेस्टाइन से छोटे छोटे पार्टिकल को अपने अंदर ले लिया, राइट। अब ब्लड को कौन पुकार रहा है, ब्लड को बोल रहा है आ जा, गाना सुना है ना। तो बेसिकली ब्लड को कौन बुला रहा है, ब्लड को बुला रहा है गोलू का हाथ कि प्लीज आकर मुझे वो छोटे छोटे पार्टिकल को मेरे पास डिलीवर कर दो। नाउ द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज, ये रोहित सर नहीं है, इंपॉर्टेंट इज कि कौन सा पार्टिकल यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा काम करने के लिए। तो सिंपल इज दैट, इफ आई गिव यू मानकर चलो, अगर मैंने आपको 2000 की नोट दी है, ठीक है, 2000 की नोट दी है, चलो ठीक है, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट होगा उस 2000 के नोट को तोड़ने के लिए। आप जगह जगह पर घूमेंगे, प्लीज मुझे चिल्लर दे दो, ठीक है, तो बोलेगा ले 1 रुपया, कुछ रह जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो फिर आप बोलेंगे अबे क्या कर रहा है तू, मैं चिल्लर मांग रही हूँ, इसका इस करेंसी का मुझे शॉर्ट फॉर्म दो, ये बड़ा फॉर्म है 2000 की नोट, मुझे 500 की चार दो। अच्छा, तो वो बोलेगा ऐसा क्या, पहले बताना था 1 रुपया नहीं देता था। तो जोक्स अपार्ट, अगर आपको 2000 की नोट मिलती है तो वो आपको तोड़ने के लिए कितना डिफिकल्ट होगा। आप उसको बचा कर रखोगे, एकदम दिल से चिपका के रखोगे, नहीं सर ये वाली नोट तो मैं तोड़ ही नहीं सकता हूँ, क्यों, बहुत टाइम से जोड़ के रखी है। तो अल्टीमेटम एक बात समझो, जितना बड़ा साइज होगा किसका सर, वो फूड पार्टिकल का एक्स वाई जेड, जितना बड़ा उसका साइज होगा उतना ही ज्यादा आपको ताकत लगेगी। जितनी बड़ी नोट थी क्या उतना ज्यादा आपको ताकत नहीं लग रही थी हर दुकान पर घूमते घूमते। राइट, तो जितनी बड़ी नोट थी उतना ज्यादा आपको ताकत लग रही थी उस नोट को तोड़ने के लिए, ठीक है, और वही नोट अगर छोटी होती तो आपको उतना प्रेशर नहीं लगता उस नोट को तोड़ने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि सर गोलू को अच्छे से देखना, गोलू को किसकी चीज की जरूरत है, आपको दरअसल चीज किसकी चीज की जरूरत है, क्या आपको पैसे की जरूरत है, हाँ, क्या आपको इसके अंदर भी 100 नोट पैसे की जरूरत है, ये हमारा एम है, 100 की नोट चाहिए, 200 की नोट चाहिए, ये नहीं चाहिए, पैसा की जरूरत है बस, अच्छे से समझ लो इसको। तो पढ़ाई के वक्त में अगर टीचर ने बोला पेन लेके आओ तो ये मैटर नहीं करता है, जेल पेन से लिखू, बॉल पेन से लिखू, कौन से पेन से लिखू, इंक पेन से लिखू, मैटर नहीं करता है, पेन चाहिए बस पेपर लिखने के लिए, ठीक है। तो पेन जितना इजियर होगी, जितना जल्दी लिख सके वही आप पेन प्रिफर करोगे, बात सही है। अगर आपको पैसा चाहिए, पैसे से आपका काम होता है, तो जितनी बड़ी नोट रहेगी उतना आपके लिए डिफिकल्ट होगा उस नोट को तोड़ने के लिए, और जितनी छोटी नोट होगी उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो छोटी 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 नोटें रहना, उसके थ्रू काम करना, और एक बड़ी नोट के थ्रू काम करना, कौन सा प्रिफर करोगे? मैं क्या प्रिफर करूंगा पता है, 100 की अगर 20 नोट हो और एक जगह पर 2000 की अगर एक नोट हो तो मैं क्या प्रिफर करूंगा, मैं 100 की 20 नोट प्रिफर करूंगा, ना कि 2000 की एक नोट, क्योंकि 2000 की एक नोट को तोड़ने के लिए मुझे जो पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है, 2000 की एक नोट तोड़ने के लिए जो पापड़ बेलने पड़ेंगे उससे कई गुना ज्यादा मुझे कम पापड़ कब बेलने पड़ेंगे, इसमें तो बेलने ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो जो 100 की मेरे पास 20 नोट रहेगी ना, उससे मैं बहुत अच्छे से और जल्दी काम कर सकता हूँ। तो ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज
ये ग्लूकोज वो नहीं है जो उसमें मिला के पीते हो, ये ग्लूकोज अलग है, इसको बताऊंगा आराम से कैसा रहता है। तो ये जो ग्लूकोज है ये वही 100 की नोट है जो हर सेल में रहेगी, मतलब हर सेल, ये जो सेल है ना, ये सेल जो मायूस है, तो ये सेल को आप बोलो कि चलो तेरे लिए मैं बहुत बड़ा पार्टिकल ला रहा हूँ, इसको तोड़ के एनर्जी का एनर्जी इस्तेमाल कर लेना, राइट। सपोज दैट कि ये वो सेल है, तो ऐसे कितने सेल्स रहेंगे एक हैंड में? मिलियंस ऑफ सेल, हजारों लाखों सेल रहेंगे एक सेल एक हाथ में, ठीक है। वो सभी हाथ के सेल्स क्या करेंगे? एनर्जी लगाएंगे। किस लिए? प्रॉपर बॉल को पकड़ने के लिए एनर्जी लगाएंगे। तो इसमें हाथ में ताकत लग रही है कि नहीं बॉल को पकड़ने के लिए? लग रही है सर। ये ताकत कहाँ से आ रही है? ये ताकत एक एक सेल से आ रही है। वो सेल में ताकत कहाँ से आई? एनर्जी कहाँ से आई? तो एनर्जी तब आई होगी सर जब पैसे को खर्च किया होगा। मेरे पेट में वड़ा पाव है नहीं, कब आएगा वड़ा पाव? जब पैसे खर्च करूंगा, वड़ा पाव खरीदूंगा, तब एनर्जी आएगी। ये सेल के पास ताकत कहाँ से आएगी? ये सेल के पास ताकत तब आएगी जब ब्लड से ये एक अपना ये ब्लड से एक कंपोनेंट अपने अंदर बुलाएगा, ठीक है, एक एक्स वाई जेड कंपोनेंट अपने बेसिकली फूड का सोर्स अपने अंदर बुलाएगा, उसके ऊपर हंटर मारेगा, उसको तोड़ेगा और अब एनर्जी इस्तेमाल करेगा। तो अगर ये मैं सेल को बोलता हूँ ठीक है भैया मैं आपको 2,000 की नोट दे रहा हूँ काम चला लो, ये बोलेगा यहाँ से वापस निकल जा बहुत मारूंगा। पहली बात तो वो ले गए कि 2,000 की नोट। कहने का मतलब सेल जो है, सेल सिर्फ एक ही सब्सट्रेट, एक ही एब्जॉर्बेबल फॉर्म, एक ही इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है और वो है ग्लू ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला आपको पता है, C6H12O6। अगर इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन अच्छे से कल इसका दे दूंगा, ठीक है। व्हाट इज ग्लूकोज, हाउ, व्हाई इट इज एक्चुअली प्रिफर्ड, व्हाई कैन नॉट, दूसरा दूसरा क्यों नहीं प्रिफर्ड होता है। तो इन जनरल एक ग्लूकोज को और एक ग्लूकोज से अगर ज्वाइंट कर दू ना, ठीक है, एक ग्लूकोज को और एक अगर ग्लूकोज को ज्वाइंट करता हूँ, या आपने फ्रक्टोज का नाम सुना होगा, तो बेसिकली दो ग्लूकोज को तोड़ना एक साथ उसके लिए और डिफिकल्ट होगा, तीन ग्लूकोज को तोड़ना एक सेल के लिए और डिफिकल्ट होगा। मतलब 100 की अगर दो नोट रहेगी, 200 की अगर एक नोट रहती है और 100 की एक नोट रहती है, कौन सी तोड़ना चाहोगे? 100 की एक नोट। यही 200 के साथ में और 300 मिला दो, 500 की नोट रखो, वो आपके लिए और डिफिकल्ट होगा। तो एक ग्लूकोज और यहाँ पांच एक साथ ग्लूकोज, कौन सा प्रिफर करेगा सेल? सेल को करना क्या है? मुझे क्या करना है पैसे से? सर मुझे पैसा खर्च करके जल्दी से जल्दी खाना खाना है ताकि एनर्जी मिल जाए। तो 200 की नोट टूट 200 की नोट को तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा सर, 100 की नोट मेरे से जल्दी टूट जाएगी। हर किसी के पास चिल्लर रहता है, 100 की नोट दे दूंगा, वड़ा पाव ले लूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सेल क्या बोलेगा, ये तुम मेरे पास 10-10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लाए ना, इसको वापस लेके जाओ, ये मैं लूंगा ही नहीं, ठीक है। तो ब्लड को एक चीज पता है कि द सेल एक्सेप्ट ओनली एंड ओनली ए सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वो दो भी एक्सेप्ट नहीं करता है, वो तीन भी एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब वो सिंगल ही इस्तेमाल करता है, ये ठीक है, सिंगल ही इस्तेमाल करता है, सिंगल एक ग्लूकोज का यूनिट इस्तेमाल करता है वो बस। और उसको दो ग्लूकोज दे दो तो 200 की नोट दे दो तो वो बोलता है नहीं। तो एक लॉजिक है, ब्लड को पता है कि मुझे जिसको पैसे देना है, पापा को पता है, मानकर चलो पापा है ब्लड, ठीक है, बी से बाबा आता है, बी से ब्लड आता है, तो बी से बाबा है और बी से ब्लड है, सी से सेल है और सी से चाइल्ड है, जो सेल को पैसे चाहिए खर्च करने के लिए, ठीक। तो वो सेल सी से स्टार्ट होता है, सी से चाइल्ड आता है, बी से बाबा आते हैं, बी से ब्लड आता है। तो बाबा को पता है कि मेरे बच्चे को अगर मैं 200 की नोट दूंगा ना, तो वो कभी भी उस 200 के नोट को नहीं तोड़ता है, वो बार बार यही सोचता है कि इसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा ताकत लगती है और बच्चे को जल्दी से जल्दी पैसे खर्च करना है, इस सेल को जल्दी से जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करना है ताकि गोलू बॉल पकड़ सके। तो इस सेल को जल्दी से जल्दी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी एनर्जी अगर इसको निकालनी पड़ती है, तो इसको अगर मैं 5 ग्लूकोज एक साथ दे दूं तो इसको इसको कितना दिक्कत होगा। 5 ग्लूकोज एक साथ दे दूं मतलब एक एक करके नहीं, यहाँ 5 ग्लूकोज एक साथ ज्वाइंट करके दे दूं, तो 2 ग्लूकोज मानकर चलो, 2 ग्लूकोज ज्वाइंट होते तो क्या बनता है पता है? सुक्रोज। बेसिकली एक ग्लूकोज के साथ एक फ्रक्टोज रहता है, ये थोड़ा दूसरे चैप्टर का है इसलिए आपको जल्दी नहीं समझेगा, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ ऐसे समझ लो। तो अगर 2 ग्लूकोज को एक साथ जॉइंट करके मैं दे दूं, ले भैया 200 की नोट, तो 200 की नोट में आप 100 कहीं देख सकते हो क्या? नहीं। 100 की नोट में 100 रहेगा, दूसरे 100 के इसमें दूसरा 100 होगा, तो ये दो 100-100 की नोट 200 बन सकती है, पर एक अकेली 200 की नोट कभी 100 नहीं बन सकती। तो पापा को पता है कि मेरे बच्चे को 200 की नोट दो ना, लेता ही नहीं है 500 की, जब 200 की नहीं लेता है तो 500 की कैसे लेगा, 2,000 की ख्वाब ही छोड़ दो, सपने की बात है। तो
तो बी से बाबा, बी से ब्लड, क्या करते हैं पता है? बाबा का एक एटीएम है, बाबा का एक एटीएम है, ब्लड का एक एटीएम है, ठीक। ब्लड का एटीएम कौन है सर? इंटेस्टाइन। क्यों? वो वहीं से छोटे छोटे पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है। और बी से ब्लड, बी से बाबा, ये घूम कर आता है, बोलता है अपने सी से, सी से चाइल्ड, ब्लड के सभी है चाइल्ड, ब्लड के सभी है बच्चे। तो बी से ब्लड आता है, पूरे बॉडी के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे का मतलब चाइल्ड, और सी से आता है सेल। तो हर कोई ब्लड का चाइल्ड है, हर कोई ब्लड का बच्चा है। एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज द चाइल्ड ऑफ द ब्लड। तो वो क्या करेगा? उसको ग्लूकोज डिलीवर करेगा। तो क्या दो ग्लूकोज डिलीवर करेगा? आंसर इज नो, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिलीवर करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो हमेशा एक ही ग्लूकोज को तोड़ता है। तो एवरी टाइम ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा नहीं, आप खुद ही अपने दिमाग से पूछ लेना। ब्लड इंटेस्टाइन से ब्लड, पापा को पता है बच्चा 100 की नोट ही लेता है, तो पापा एटीएम से कितने की नोट निकालेंगे? आंसर इज 100 की। ब्लड को पता है इस सेल को ग्लूकोज ही देना है, एक ग्लूकोज देना है सिंगल। तो क्या ब्लड हमेशा, जब भी इंटेस्टाइन से ब्लड कोई भी फूड सोर्स को निकालता है, टूटे हुए हैं, छोटा सा टूटा हुआ पार्टिकल को लेता है, तो वो कौन सा निकालेगा? 5-6 ग्लूकोज एक साथ? आंसर इज नो, हमेशा अपने एटीएम से सिंगल एक ग्लूकोज निकालेगा, एब्जॉर्ब करेगा और लेके जाएगा कहां तक? सेल के पास। तो ये ब्लड ऐसे ट्रेवल करता है, और साथ साथ में कौन आ रहा है? जीवन, जीवन मतलब ग्लूकोज आ रहा है। तो ग्लूकोज आके कहां पर जाएगा? ब्लड बोलेगा लो भाई सेल, ठीक है, बी से बाबा, बी से ब्लड, ब्लड बोलेगा या बाबा बोलेंगे कि मेरे बच्चे ये लो पैसे। तो इसको क्या करेगा ब्लड? ब्लड इसको पैसे दे देगा, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज है। ग्लूकोज किसको दे देगा ब्लड? तो ब्लड ग्लूकोज सेल को दे देगा। अब सेल क्या करेगा? ग्लूकोज को चाटेगा? नहीं सर, वो ग्लूकोज जो सेल के अंदर है, अब वो ग्लूकोज को तोड़ेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ईच एंड एवरी सेल ऑफ द हैंड विल प्रोड्यूस द एनर्जी एंड मेक द हैंड ऑफ द गोलू टू कैच द बॉल, राइट। सो हाउ मेनी सिस्टम आर हेल्पिंग द हैंड टू प्रोड्यूस द एनर्जी? आंसर इज फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम डाइजेस्ट सिस्टम। खाना नहीं रहता तो ताकत मिलती, कभी ग्लूकोज बनता? आंसर इज नो। सेकंड सिस्टम ब्लड सिस्टम। ब्लड सिस्टम क्या करता है? इट विल एब्जॉर्ब द ग्लूकोज फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। इंटेस्टाइन से ब्लड एब्जॉर्ब करता है। तो सेकंड सिस्टम कौन सा आ गया? ब्लड सिस्टम। एंड सबसे लास्ट है रेस्पिरेशन। तो अच्छे से देखना, रेस्पिरेशन क्या है? जब ये ब्लड ग्लूकोज लाता है और सेल को दे देता है, ये लो भाई ग्लूकोज, बच्चे को, बाबा अपने चाइल्ड को क्या करते हैं? ग्लूकोज दे देते हैं, 100 की नोट दे देते हैं, और बोलते हैं कि ये लो, इस 100 की नोट को तोड़ के एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये सेल क्या करेगा? दिस सेल विल प्रोड्यूस द एनर्जी। हाउ सर? बाय ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज। तो बच्चे को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, बच्चे को पैसा खर्च करने के लिए